श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना में एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए पटना में हैं और आज कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश दिवस को मनाने के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। बिहार सरकार की तरफ से पटना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी शामिल हुए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। प्रकाश सिंह बादल ने कॉन्क्लेव और गुरु साहिब के जन्म दिवस के लिए बिहार सरकार की तरफ से की गई तमाम तैयारियों के लिए धन्यवाद किया। ये तैयारियां सारे हिंदुस्तान में, पंजाब में खासकर हो रही हैं और मैं शुक्रगुजार हूं नीतीश कुमार जी का कि बिहार में यहां पटना साहब में बहुत उच्च पदर की तैयारी हो रही है और आज भी समागम किया है, फिर दोबारा समागम होगा और इसका उन्होंने बहुत खुद दिलचस्पी ली है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस पटना में 5 जनवरी 2017 को मनाया जाएगा, जिसको लेकर बिहार सरकार ने खास तैयारियां की हैं। शताब्दी कार्यक्रम पूरा साल मनाने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश दिवस को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के बारे में भी जानकारी दी। अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि राज्य सरकार से जो भी संभव है इस प्रकाश उत्सव की तैयारी के लिए, इसकी सफलता के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और मुझे इस बात का गौरव है कि इस अवसर पर मुझे राज्य सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। देश विदेश के विद्वानों के द्वारा पैनल डिस्कशन किया जाएगा, परिचर्चा की जाएगी। विषय होंगे श्री गुरु गोविंद सिंह जी अ स्पिरिचुअल सेवियर एंड क्रुसेडर ऑफ लाइट्स। दूसरा विषय है श्री गुरु गोविंद सिंह जी अ पोएट पार एक्सेलेंस। तीसरा विषय है सिखिज्म अ फेथ ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी। इस मौके पर देश विदेश से अलग अलग धार्मिक संगठनों और राजनीतिज्ञ भी मौजूद रहे। कनाडा की पहली महिला सांसद रूबी डल्ला ने कहा कि जिस तरह से कनाडा में सिख समुदाय ने अलग मुकाम हासिल किया है, वो दिन दूर नहीं जब कनाडा के प्रधानमंत्री के पद पर एक सिख को बैठने का मौका मिलेगा। असी अपनी कौम दे विच असी एकता रखांगे, असी अपनी कौम दे विच एक दूजे दा साथ देवांगे ते एक दिन फ्यूचर दे विच कैनेडा दे विच सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, सिर्फ मंत्री नहीं, एक दिन साडे देश दे विच प्राइम मिनिस्टर होएगा जरा सिख होएगा। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म पटना की पुण्य भूमि पर हुआ और जनवरी में 350वां प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार भी इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।